ये कथा वाचन से आपको क्या लाभ मिला मैम, और ये कथा से आप आपके हृदय में क्या परिवर्तन हुआ, आप अब बच्चों को क्या सीख देने जा रही हैं? सर, ये गांधी जी महामानव थे, ये तो हम सभी जानते थे, और गांधी जी हमारे अंदर कुछ परिस्थितियां, समाज जो मतलब सामाजिक दूषित वातावरण है, जो न सिर्फ हम में बल्कि हमारे बच्चों में, हमारे आसपास के वातावरण के जितने भी जंतु और फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, समाज है, सब में उन लोगों ने एक तरह से धूल मतलब भ्रष्टाचार के, असफलता के, अशुद्धता के, छुआछूत के, इस तरह के बीज आरोपण कर दिया है उन लोगों ने, और इस तरह की मतलब गंदी और दूषित भावनाओं का एक तरह प्रचार प्रसार किया। हम लोगों ने यहाँ नैतिक बलों को विकसित करने के लिए काफ़ी आधार ढूंढे, उसके बाद स्वच्छता, स्वावलंबन और ये गांधी जी के जो खास करके विचारधारा में आते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अभय, ब्रह्मचर्य, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जिया है। हम लोगों ने यहाँ प्रशिक्षण नहीं लिया बल्कि एक तरह से इन 3 दिनों को हम लोगों ने जिया है, महसूस किया है कि सच में हमें देखने को मिला कि समय की कितनी पाबंदी है यहाँ। 1 मिनट ना इधर होता है ना उधर, जिनको भी बोलना होता है या जिनको भी अपनी प्रस्तुतिकरण होती है वो 1 मिनट पहले ख़त्म कर देता है, 1 मिनट बाद उस चीज़ को आगे नहीं ले जाता। समय की पाबंदी, शुद्धता, पौष्टिक आहार और हर तरह से इंसान को किस तरह से मतलब एक सही संबंध मिले, विकास मिले, और गांधी जी की जो विचारधारा है आज के परिवेश में किस तरह से लोगों को उसके आधार पर एक आत्मबल मिले, ये हमने सही ढंग से सीखा है, सही ढंग से जाना है। तो हम अपने विद्यालय में जाकर पूरी तरह से इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अपने बच्चों में ये संस्कार भरेंगे इस तरह से, ताकि हम गांधी जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू।